लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स कि हम फिक्स फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, हमारा टोटल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड आफ्टर दैट टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग. तो जो ये पहली स्टेज है हमारी, फर्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड अ स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसमें ये जो टोटल प्रोडक्ट है, ब्लू कर्व है, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट. सेकेंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसमें भी अभी भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. यहाँ पर आके टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है विच इज द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज. इसके बाद ये टोटल प्रोडक्ट फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, इसको कहा जाता है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. एवरेज प्रोडक्ट का बिहेवियर और मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर, फर्स्ट स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट राइज करता है, जब एंड आ जाती है फर्स्ट स्टेज की वहां पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए इस पॉइंट पे एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं. सी द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट शोइंग दैट एमपी इज इक्वल टू एपी. आफ्टर दिस पॉइंट एपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एपी फॉल करता है बट एपी कैन नेवर बी नेगेटिव. एपी फॉल करेगा सेकेंड और थर्ड स्टेज में और दोनों स्टेज में ही पॉजिटिव रहेगा. मार्जिनल प्रोडक्ट टिल द पॉइंट टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, यहां तक टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इस पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और जहां सेकेंड स्टेज एंड होती है वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट जहां पर टीपी मैक्सिमम है. दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इस पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है. तो रिलेशनशिप क्या है इनकी, फर्स्ट स्टेज में टीपी राइजेज, एपी राइजेज, एमपी राइजेज. व्हेन एपी राइजेज एमपी इज मोर देन एपी और जहां एपी मैक्सिमम हो जाता है जो एंड होती है स्टेज की वहां एपी और एमपी बराबर होते हैं. सेकेंड स्टेज, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, टीपी राइजेज एपी फॉल्स, एमपी फॉल्स एंड रीचेस जीरो और टीपी राइज करके कहां पहुंच जाता है मैक्सिमम पे. एपी फॉल करता है, एमपी इज पॉजिटिव एंड इज लेस देन एपी. एंड द थर्ड स्टेज विच इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, टीपी फॉल करता है, एपी फॉल करता है, एमपी नेगेटिव आ गया है. कोई भी प्रोड्यूसर इस स्टेज में ऑपरेट नहीं करेगा. अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज ऑपरेट इन स्टेज टू विच इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. व्हाई नॉट स्टेज वन, क्योंकि अभी भी प्रोड्यूसर के पास स्कोप है कि वो अपना टोटल प्रोडक्ट बढ़ा सकता है और अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकता है. देयरफॉर अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज ऑपरेट इन स्टेज टू. क्यों? क्योंकि उसके पास अभी भी फिक्स फैक्टर्स हैं, वो अपने फिक्स फैक्टर्स को यूटिलाइज कर सकता है बाय अप्लाइंग वेरिएबल फैक्टर्स. थर्ड स्टेज में प्रोड्यूसर ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि टोटल प्रोडक्ट उसका फॉल होना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस.